जय केदार जय विशाल। मैं आज बाबा जी के दर्शन करने गया, वो अंदर जैसे ही दर्शन करने गया और अंदर संकल्प चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं पंडितों के साथ में, ब्राह्मण के साथ में, तो अभी तो कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही दर्शन करके आ जाओ। तो मुझे ऐसा फील हुआ जैसे कश्मीर पंडितों से छीन गया है, वैसे ही केदारनाथ का धाम ब्राह्मणों से छीन गया है। ये मेरा सोचना है, मैं यहाँ के ब्राह्मणों से बात करता हूँ, क्या सच में वैसा है कि नहीं है, ये उनके ऊपर है, वो क्या बोलते हैं। गया दर्शन करने तो मुझे ऐसा फील हुआ, खाली खाली आ गया, जैसा गया था वैसा आया वापस। जैसे पहले मैं कभी जाता था मैं, तो अंदर मेरी ऊर्जा चेंज हो जाती थी, जब मैं बाबा जी को जल चढ़ाता था, अभिषेक होता था पंडित ब्राह्मणों के साथ में, तो मैं बाहर आता था तो प्रसन्न ही प्रसन्न महक जाता था। लेकिन आज वैसा कुछ भी मेरे साथ नहीं हुआ, क्या ये सत्य है कि क्या है, इसके बारे में आप मुझे कुछ बताएंगे यहाँ के बारे में? बिल्कुल सत्य है। भगवान के गर्भगृह में जाने के लिए सभी ब्राह्मणों के लिए, ब्राह्मणों के साथ जो उनके यजमान जाते थे, उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है कि जब कोई भी यात्री जो है गर्भगृह तक नहीं जाएगा। और इस हिमालय में भगवान केदारनाथ जी का वास है और भगवान शिव को जल की धारा प्रिय है। जो देश विदेश के जितने भी यात्री आ रहे हैं उनको जल की धारा, भगवान को जल की धारा अर्पण करना है। अगर आज स्थिति ऐसी है कि भगवान के गर्भगृह में कोई भी यात्री नहीं जा पा रहा है और ब्राह्मण लोग बिना ब्राह्मण के वो पूजा कर रहे हैं, जबकि लंका में रावण ने, भगवान राम ने चढ़ाई करी और वहाँ शिवलिंग की स्थापना करी, और जिस लंका पे वो चढ़ाई करने गए वहाँ भी रावण को भी बुलाया क्योंकि वो ब्राह्मण था, और उससे पूजा कराई और जलाभिषेक कराया। और हिमालय में जो है जलाभिषेक बंद कर दिया गया है, गर्भगृह में सारे देश विदेश के यात्रियों को जाना बंद कर दिया है। यात्री अपने मन में बड़ी श्रद्धा लेकर के जा रहे हैं कि हम इतनी दूर से आए, विष्णु भगवान का धाम होता, बद्रीनाथ जी का धाम होता, वहाँ दूर से दर्शन, मतलब शिव का जहाँ धाम है, ये ज्योतिर्लिंग है, 11वां ज्योतिर्लिंग है, इस धाम में अगर जल का अर्पण करने से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। उस जल के अर्पण करने से देश विदेश के यात्रियों को वंचित किया गया और ब्राह्मणों से उसका हक और यजमानी का अधिकार भी छीन लिया गया। अच्छा, जैसे मतलब वो लोग बोल रहे हैं कि अभी मैंने बात की एक दूसरे से, पंडितों से कश्मीर छीना गया है और यहाँ के ब्राह्मणों से केदारनाथ छीना गया है, क्या आज की स्थिति ऐसी है? ये जब 2013 की आपदा में आप 13 साल हो गए, हम शरणार्थी के तौर पे यहाँ पे रह रहे हैं, ब्राह्मणत्व तो कार्य करने के लिए सबसे पहले उसका अपना आसन चाहिए, सरकार ने हमारी ज़मीन पे काबिज हो गई है मगर हमें अभी तक अपना आसन नहीं दिया, और हम जो है कि मंदिर में जा नहीं पा रहे हैं, हमारे ऊपर भी प्रतिबंध लगाया जा रहा कि आप मंदिर पे नहीं जाएंगे, बार बार नहीं जाएंगे। अरे भाई, हम तो बार बार जाएंगे, आज से नहीं अनादिकाल से चला आ रहा है, उस परंपरा को हम बरकरार रखे हुए आज इस तीर्थ में ब्राह्मण और संत ना दिखाया जाए तो ये तीर्थ वीरान दिखेगा, चाहे लाखों करोड़ साधु संत आ जाएं, चाहे लाखों करोड़ यात्री आ जाएं, मगर यहाँ ब्राह्मण अगर विहीन हो जाएगा तो ये तीर्थ तीर्थ नहीं रहेगा। आपका क्या कहना है इस बारे में? देखो, केदारनाथ धाम एक मोक्ष धाम है, 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग केदारनाथ, और एक ही धाम है जो मोक्ष धाम है। हाँ, ये मोक्ष धाम है, यहाँ पे जब यात्री लोग आते हैं, ये केदारनाथ जो है मोक्ष धाम है, 12 ज्योतिर्लिंग में एक ही धाम है जो मोक्ष धाम है, जो हिमालय में बस स्थित है। तो यहाँ पे यात्री पूर्व जन्म से ही आते हैं और यहाँ पे गर्भगृह में, भले आज तो जनरेशन बढ़ गई है, यात्रा बढ़ गई है, वो हम मानते हैं, वो सरकार का नियम है कंट्रोल करना, नियंत्रण करना, लेकिन रीति रिवाज परंपराओं को तोड़ना ये कहीं ना कहीं कोई बड़ी चाल है। कश्मीरी पंडितों को क्यों भगाया गया? आज तो बड़ी बड़ी सरकारें हैं, क्यों नहीं फिर उनको वहीं बसाया जा रहा, तो कहीं ना कहीं राजनीति तंत्र से उनको वहीं से आशीर्वाद भगाया गया है, अपनी वोट बैंक के चक्कर में या किसके चक्कर, क्यों नहीं वो बेचारे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। तो यही दशा आज ये हमारी भी करने वाले, आज केदारनाथ की वैसी दिशा है, दशा करने वाले हैं, ये पूरी इनकी मंशा है, राजनीति का अखाड़ा बना, हमारी नापखेत भूमि है, ऐसा नहीं सरकार की कोई सरकार भूमि की कोई भूमि नहीं, हमारी अपने, हमने सरकार के साथ पूरा अनुबंध किया, ये चौक बनाया, ये चौक पूरे हमारी नापखेत भूमि में। अच्छा, ये 70 फुट चौड़ा रास्ता हमने नापखेत भूमि का दिया है, और उससे बड़ा है अभी तो, नापखेत भूमि का दिया है, हमारी भूमि है, ये हमारे मंदिर को दे दिया, जो भाई आप बन गए सरकार के साथ, हमने सामंजस्य किया कि ठीक है मंदिर का चौड़ा बनाना, मंदिर को खुला रखिए, रास्ता चौड़ा बनाइए, लेकिन जो हमारे जमीनें आप ले गई हैं तो उसको जमीन के बदले हमें जमीनें नहीं दी गई हैं और हमारे साथ छलावा किया गया। और दूसरी बात, चलो मकान तो बाद की बात है, पहले तो पहले केदारनाथ बाबा थे ना, पूर्व जन्म से हम केदारनाथ, पहले पूजा पाठ से ही हम अपना घर चलाते थे ना, मैं तो हमारा वही है हक जो पूजा पाठ है, हमारे पास एविडेंस है,
राजा रजवाड़ों के टाइम के एविडेंस है, कहीं ये अधिकारों को देखा नहीं जा रहा है, इनको जो है बिल्कुल ख़त्म किया जा रहा है और केदारनाथ मंदिर को पुलिस की जाल से बिछाया जा रहा है, पूरी जाल से। अभी मैंने देखा वहाँ पे, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ, मैं ऊंची आवाज में नहीं बात कर सकता क्योंकि मेरे ऊपर कोई भी धारा लग सकती है, धारा लग, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं कहाँ से धारा का मतलब कुछ भी बोल सकता हूँ, और सरकार आज उन्हीं के पक्ष में है तो हमसे वोट ले रही है पर बाद में हमारी नहीं सुन रही है। हम क्या है यहाँ पे, आज हमारे जो है यहाँ लोकल लोग आते थे हमारे गाँव के, हमारे जो एक इलाके के लोग हमारे घरों में रहते थे, वो केदारनाथ आते थे बाल बच्चे सहित हमारे घर, अब हमको उनसे मोह छुपाना पड़ रहा है, मुँह छुपाना पड़ रहा है हमारे लिए रहने के लिए नहीं, उनको कैसे बिठाएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसा सरकार की नीति है तो भगवान करे निश्चित कोई आपका समाधान करे पहले, कोई बहुत सबसे बड़ी बात है विकास वगैरह से होता रहेगा, विकास होना चाहिए, हमारे हक हकूक और जो परंपरागत जो परंपरा चली आ रही है सनातन धर्म की उसमें आघात पहुंचा है, उसमें कुठाराघात लगाया जा रहा है, ये हमारा सबसे बड़ी विडंबना की बात है, ये सबसे बड़ी बात है। ऐसा नहीं लग रहा है कि हम जो अंग्रेजों के जमाने में आ गए हैं, महसूस कर रहे हैं, हम महसूस कर रहे हैं ना, हम कभी गुप्तकाशी से केदारनाथ जी आते थे और अपनी जेब में 100 रुपये लेकर के आते थे जिसमें हम रास्ते का खर्चा भी कर लेते थे और 10-20-30 रुपये बच भी जाता था, आज गुप्तकाशी से यहाँ तक आने में 10,000 रुपये भी कम पड़ रहा है, कम पड़ रहा है ये, और यहाँ आकर के फिर अपना जो है रहने की व्यवस्था करूँ, कहीं कमरा किराए का लूँ, कहीं कुछ करूँ, ये स्थितियाँ होगी। हमारा अपना ही घर अपनी जमीन हमने सरकार को दे दी, लो भाई तुम यहाँ पे विकास कर रहे हैं, विकास में हम बाधक नहीं है, और आज अभी 13 साल हो गए अभी तक हमें रहने की व्यवस्था नहीं बना, अगर हम उस चीज़ में रोड़ा हटाते तभी होता ब्राह्मण जो है तीर्थ को जो है विकास होने में, विकास होने में, अगर हम सरकार के विकास के पथ में हम कहाँ अड़ंगा डाल, कहीं कहीं नहीं अड़ंगा, हो रहा अच्छी बात है, समय के हिसाब से विकास होना चाहिए, मगर साथ साथ जो यहाँ के मूल वासी है उनको भी संज्ञान में लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, उनकी उनकी मूलभूत सुविधाओं का भी ख्याल होना चाहिए, उनकी कोई मूलभूत सुविधाओं का ख्याल, यही सरकार से हमारा जो है आक्रोश है। तो आपने ये सुन लिया, ये आपको आवाज़ और आगे बढ़ानी है तो इनका समाधान होना चाहिए। हम तो देखो एक दिन के लिए आते हैं यहाँ पे, सिर्फ एक दिन के लिए, सुबह आए शाम को आए सुबह चले गए, इनको 6 महीने यहाँ पे रहना पड़ता है, आप समझ सकते हो जो एक दिन वाले को परेशानी जितनी होती है 6 महीने वाले को कितनी परेशानी होती होगी आप अनुभव नहीं लगा सकते, ये गलत बोल रहा हूँ इस बात को, चलो जय।